हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ट्यूबलेस टायर रिपेयर करने का सही तरीका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टायर चाहे बाइक का हो या कार का हो, अगर ट्यूबलेस टायर है तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको ये किट यूज़ किया जाएगा, जैसे कि आप हर दुकानों में देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा एक गलत सिस्टम है। इसको यूज़ करने से टायर का लॉन्गजिविटी एकदम कम हो जाता है। जहाँ पे आप लीकेज होगा वो ठीक करने के बाद कुछ दिन बाद वो सेम जगह से फिर से लीक होगा। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ नया प्रोसेस। तो दोस्तों ये है मशरूम पैच, जो कि पंक्चर रिपेयर करने का एक सही तरीका है, और जिससे रिपेयर करने के बाद वो जगह से दूसरे बार और कभी भी आपको वहाँ से लीकेज नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। और मैं अभी हूँ MRF के शोरूम पे, तो अभी देखेंगे मशरूम पैच लगाने का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे हैं मशरूम पेस्ट को कैसे लगाया जाता है, और ये लगाने से एक अच्छा क्या चीज़ है, मैं इसको टेस्टेड एंड ट्राइड इट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको लगाने के बाद बहुत दिन बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये लगाने के बाद यहाँ से दूसरी बार कभी भी लीक नहीं हुआ। लेकिन ये जो पंक्चर रिपेयर किया जा रहा है, ये पहले मेरा ऑलरेडी एक पंक्चर यहाँ पे था, पंक्चर बना हुआ था। वो पहले वो मैं जो किट दिखाया आपको वो स्ट्रिप से किया था, लेकिन वो ख़राब हो गया था। फिर मैंने इसको ऐसे मतलब मशरूम पैच से लगाया है। तो इसका आपका कॉस्ट आएगा तकरीबन 200, लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। तो मैं चाहूँगा कि अगर अगली बार आप भी अपना पंक्चर रिपेयर करते हैं तो यही प्रोसेस से कीजिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।